बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है ऊद अल फायद और ये हाउस का नाम है क्रिश्चियन प्रोविंजानो। इस हाउस की मैं ऑलरेडी पहले एक फ्रेगरेंस तो मतलब ये दो मेरे ख्याल में मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। एक है क्वायर अलाइट और दूसरी है पचूली नोआर। ये मैं ऑलरेडी मेरे ख्याल में रिव्यू अपने चैनल पर कर चुका हूँ और इन वीडियोस के मतलब इन वीडियोस के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्रिश्चियन प्रोविंजानो क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी, फर्स्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा बताता चलूँ। क्रिश्चियन प्रोविंजानो एक परफ्यूमर हैं और मुझे इनके परफ्यूम्स में या इनके ब्रांड में क्यों इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि मैंने बोधिशिया द विक्टोरियस का अजराक इस्तेमाल किया था, फ्रेग्रेंस दुबॉज का कनेबियस ब्लू इस्तेमाल किया था, मैंने उसके बाद पेनहेलिगंस का हल्फीती इस्तेमाल किया था। तो ये तीनों परफ्यूम्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो इन तीनों परफ्यूम्स का जो परफ्यूमर था वो एक ही निकला और वो था क्रिश्चियन प्रोविंजानो। ठीक है, तो उस क्रिश्चियन प्रोविंजानो ने अपना ब्रांड बनाया और उस ब्रांड के नीचे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंसेज लॉन्च की। और ये इनकी बॉटल पहले मैं आप लोगों को दिखाता चलता हूँ। ये इस तरह ब्लैक कलर की बॉटल आती है, इसकी सिंपल सारी बॉटल्स इसी तरह हैं और कैप के ऊपर ये इनके क्रिश्चियन प्रोविंजानो लाइक ये देखें, ये बॉटल्स इनकी सारी की सारी सेम बॉटल्स हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे फ्रेग्रेंस का नाम चेंज है, बाकी ये लोगो ये क्रिश्चियन प्रोविंजानो और ये आप ऊपर देख लें सीपी जो कि बॉटल के ऊपर लोगो आता है वो इस तरह सारों का इसी तरह सेम ही है। तो ये जो बॉटल अच्छा ये जो है क्योंकि नीश ब्रांड है तो इसकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये लगभग तमाम ये जितने भी हैं ये 35,000 रुपये से नीचे आपको 100 ml मिल जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि यार ये इतनी महंगी फ्रेग्रेंस, तो ठीक है आप पहले इसका डीकैन ट्राई करें, बल्कि मैं तो आप सबको यही कहता हूँ कि महंगी फ्रेग्रेंस लेने से पहले डीकैन ट्राई करें और दिल इम्तियाज का रिव्यू देखें। उससे देखने का देखें, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, मैंने फुल बॉटल उठा ली। आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप मेरा रिव्यू देख सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको इस ब्रांड में कोई इंटरेस्ट है या इस परफ्यूमर में कोई इंटरेस्ट है, आप इसके बनाए हुए मजीद परफ्यूम्स ट्राई करना चाहते हैं, तो मेरा ये रिव्यू देख लें, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये मैंने वकास अहमद से लिया है, आप फुल बॉटल लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप कहते हैं कि नहीं फुल बॉटल नहीं तो डीकैंट भी वकास अहमद से ले सकते हैं। उसकी वेबसाइट भी है bloompk.com के नाम से, वहाँ से या डायरेक्ट वकास अहमद का मैं नंबर नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं। आते हैं हम अपनी फ्रेगरेंस की तरफ। तो आज जिस फ्रेगरेंस का हम रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है ऊद अल फायद और ये क्रिश्चियन प्रोविंजानो की है। बॉटल में आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बात करते हैं हम इसकी खुशबू की। सबसे पहली बात, बहुत कम्प्लेक्स खुशबू, बहुत ज़्यादा फेजेस इस फ्रेगरेंस के, तो मुझे इसके फेजेस को लिखना पड़ा क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने लगाई तो इसके फेजेस जब शिफ्ट हो रहे थे तो मैं पहला भूल जाता था, कभी दूसरा भूल जाता था, फिर मैंने कहा नहीं यार इसको मैं लिख के ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो काफ़ी लंबे चौड़े इसके फेजेस हैं, एक दो फेजेस नहीं हैं, इसके कम अज़ कम 5 से 6 फेजेस हैं। तो मैं आप लोगों से अच्छा 2018 के अंदर ये फ्रेगरेंस लॉन्च की, 2018 के अंदर ये फ्रेगरेंस लॉन्च की इन्होंने। और देखें जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके बिल्कुल स्टार्ट में ही आपको ऊद की खुशबू आएगी, ऊद की खुशबू आएगी। और कौन सा ऊद? ऊद कंबोडियन ऊद। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूं कि जो इंडोनेशियन ऊद है ना वो थोड़ा सा फ्लोरल टाइप होता है, थोड़ा सा, ऐसे ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का सा। जो हिंदी ऊद होता है वो बान यार्डिश एनिमेलिक टाइप होता है और उसके बाद आप कह सकते हैं कि इनकी मतलब जब वो उसकी बान यार्डिश कम होता है, वो जो उसका एक स्टार्ट का फेज होता है जो कि एनिमेलिक होता है, वो जब कम होता है तो उसके नीचे फिर वो इंकी और हल्का सा मेडिसिनल, मैं हल्का सा मेडिसिनल कह रहा हूँ, 100% मेडिसिनल नहीं कह रहा, तो वो ऊद उस तरह का होता है। जबकि जो कंबोडियन ऊद होता है ना वो वुडी होता है, वो वुडी होता है और वो एनिमेलिक भी कम होता है। ठीक है, बहरहाल ये डिस्टिलेशन पर डिपेंड करता है ऊद के, वो डिस्टिल किस तरह किया गया है तो वो डिफाइन करता है कि ये एनिमेलिक होगा या नहीं होगा। बहरहाल इसके अंदर जो ऊद इस्तेमाल किया गया है वो कंबोडियन ऊद है जो कि वुडी ऊद है और वो एनिमेलिक नहीं है। ठीक है, अब वुडी ऊद किस तरह का है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओल्ड वुड्स की वाटरी सी खुशबू, यानी आप ओल्ड वुड्स को वाटर के अंदर डिप करके रख दें और कुछ अरसे बाद जब आप उस पानी को खुशबू करेंगे पानी को, तो उसके अंदर से वुड्स की वेट सी खुशबू आ रही होगी।
तो वो जो होता है ना उसको आप डार्क करें, फिर जाहिर बात है डार्क करें, इतनी लाइट तो खुशबू नहीं होती उसकी, तो उसको ज़रा डार्क करें, या आप यूं कर लें कि उसी वुड को निकाल के आप खुशबू करें ना, तो उस वुड की जो एक वाटरी सी खुशबू भी आ रही होगी और वुडी सी खुशबू भी आ रही होगी ओल्ड वुड्स की, तो वो कंबोडियन ऊद की खुशबू उस तरह की होती है। तो इसके अंदर जो ऊद इस्तेमाल किया गया है वो कंबोडियन ऊद है, ठीक है, वो पहचाना जाता है क्योंकि वो सिर्फ वुडी वुडी है ना, उसमें फ्लोरल एस्पेक्ट है ना, उसमें कोई इंकी सा एस्पेक्ट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वुडी है, तो कंबोडियन ऊद है, ठीक है। लेकिन कंबोडियन ऊद अकेला नहीं है यहाँ पे, इसकी स्टार्ट के अंदर प्रॉपर एक रेस्पबेरी की खुशबू आती है। अब जो रेस्पबेरी होती है ना वो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल तो नहीं है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने खाई भी नहीं होगी, लेकिन एक रेस्पबेरी का एक साशे आते हैं जो कि आप पानी के अंदर मिक्स करके पीते हैं, अब वो भी बहुत सारे लोगों ने नहीं पिया होगा, तो मैं जस्ट रिजेम्बलेंस के लिए बता रहा हूं कि सॉल्टी येट स्वीट स्ट्रॉबेरी, नॉट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, क्योंकि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी की खुशबू डिफरेंट होती है, खट्टी स्ट्रॉबेरी, उसके अंदर आप थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें और आप थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा उसको मिंटी कर लें, हल्का सा 1-2% मिंटी कर लें, तो वो जो स्ट्रॉबेरी की खट्टी शुगरी प्लस हल्की सी मिंटी सी खुशबू आ रही होती है ना, रेस्पबेरी की खुशबू तकरीबन उस तरह की होती है, तकरीबन इसके स्टार्ट में जो कंबोडियन ऊद है उसके साथ रेस्पबेरी, क्या यूनिक कॉम्बिनेशन बना। मैंने अपने चैनल पर एक फ्रेग्रेंस रिव्यू की थी, दानलूद अल नुखबा फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी, एक मुझे उसका कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट लगा था, स्ट्रॉबेरी एंड ऊद का कम्बो, एक मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट लगा, रेस्पबेरी एंड ऊद का कम्बो, उसके अंदर खैर थोड़ा सा एनिमेलिक ऊद था, इसके अंदर टोटली कम्बोडियन ऊद है, नॉन एनिमेलिक ऊद है, मुझे इसका ऊद एनिमेलिक नहीं लगा, मतलब शायद मैं बहुत ज़्यादा एनिमेलिक ऊद इस्तेमाल कर चुका हूँ तो अब मुझे नहीं लगा, लेकिन इसका ऊद एनिमेलिक नहीं है, इसका ऊद बस वुडी ऊद है और प्रॉपर पता लगता है आपको कि ऊद है, प्रॉपर पता लगता है। तो ऊद एंड रेस्पबेरी, रेस्पबेरी की खुशबू मैंने आपको बता दी थोड़ी सी रिजेम्बलेंस करके, तो रेस्पबेरी एंड ऊद का कॉम्बो इसके स्टार्ट में हो गया, ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। अच्छा, जो इसका सेकेंड फेज है वहां पर रेस्पबेरी थोड़ी सी गायब होती है और ऊद प्लस छालिया की सेपरेट खुशबू, ऊद एंड रोज कम्बो, लेकिन सेपरेट आपको एक विफ ऊद की आएगी, एक विफ प्रॉपर छालिया की आएगी। अच्छा, छालिया की जो खुशबू है वो किस तरह, जो हमारे घर में सिरू के दरख्त लगे होते हैं, सिप्रस भी बोलते हैं उसको, सिप्रस, तो उसके ऊपर ना बॉल्स लगती हैं, सिप्रस के ट्री के ऊपर बॉल्स लगती हैं, उन बॉल्स को कभी आप खोल के खुशबू करें तो उनके अंदर से ना छालिया की सी खुशबू आ रही होती है, वो बेसिकली तो मैं इसके अंदर जो खुशबू है वो रोज़ की है, लेकिन वो उसके साथ रिजेम्बलेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि किस तरह की छालिया की खुशबू आती है, तो वो जो बॉल की खुशबू होती है ना वो प्लस ऊद की खुशबू, ऊद की खुशबू यहाँ तक भी प्रोमिनेंट रही लेकिन सेपरेट रही, आपको ऊद की प्यारी सी अलग खुशबू आएगी, रोज़ की अलग आएगी, दोनों नोट्स बहुत सेपरेट चलते हैं, कहीं पर ये एक दूसरे के साथ घचमच नहीं होते, ये मुझे इसकी बात जो है ना इस फ्रेगरेंस की वो बहुत ही ज़बरदस्त लगी कि दोनों सेपरेट चलते हैं, कहीं भी किसी लेवल पे भी जाके ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। ऊद की खुशबू लेना चाहेंगे तो अलग से आएगी, रोज़ की खुशबू यानी छालिया की खुशबू लेना चाहेंगे तो अलग से आएगी, तो ये हो गया इसका सेकंड फेज। अच्छा, थर्ड फेज में क्या होता है कि यही ऊद एंड रोज़ की खुशबू चल रही होती है, सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी डस्ट की खुशबू ऐड हो जाती है, डस्ट की, मिट्टी की खुशबू, तो वो जो मिट्टी है ना वो इस छालिया की वजह से थोड़ी थोड़ी स्वीट, बेसिकली तो वो पचूली की खुशबू है, अब आई डोंट नो पचूली इसके नोट्स में है या नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉपर डस्टी सी खुशबू जो फील हुई वो पचूली की तरह की हुई, तो डस्ट जो है ना वो थोड़ी सी स्वीट हो जाती है रोज़ की वजह से, छालिया की खुशबू की वजह से, ऊद अलग खुशबू आ रही होगी आपको, लेकिन यहाँ पर रोज़ और वो जो डस्ट की खुशबू है वो थोड़ा सा मिक्सड लगेंगे आपको, थोड़ा सा मिक्स, तो यहाँ पर इसका तीसरा फेज़, यस तीसरा फेज इसका यहां पर पहुंचा और यहां पर मिट्टी की खुशबू इंट्रोड्यूस होगी। थोड़ी देर बाद दोबारा से इसके अंदर रेस्पबेरी की खुशबू भी इंट्रोड्यूस होती है, यस दोबारा से इंट्रोड्यूस होती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होती है, मतलब शायद मुझे फील हुई, लेकिन हुई थी, प्रॉपर फील हुई थी चौथे फेज के अंदर। अच्छा, जो इसका एंड का फेज है, बिल्कुल एंड का फेज, वो खुशबू इस तरह की है लाइक आलू बुखारा जो होता है, आलू बुखारा,
अगर उसका कोई शैम्पू बना हो, शैम्पू शायद होता है या नहीं होता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आलू बुखारे का, आलू बुखारा यानी जिसको प्लम बोलते हैं, अगर उस बेस्ड कोई शैम्पू हो तो उसकी जो खुशबू हो ना प्लम के शैम्पू की, यानी थोड़ा शैम्पू का भी खुशबू हो, फैब्रिक फ्रेशनर टाइप आप कर लें, सर्फ कर लें, फैब्रिक फ्रेशनर कर लें, शैम्पू कर लें, तो लेकिन उसके साथ प्लम की खुशबू को थोड़ा सा ऐड कर लें, मेन तो वो पता लगे कि ये शैम्पू है लेकिन प्लम की हल्की हल्की खुशबू, तो एग्जैक्ट वो खुशबू इसके फोर्थ फेज में फिर आती रहती है, और ये फेज इसका बहुत लंबा है, बहुत लंबा फेज है इसका, ठीक है, जो प्लम शैम्पू वाला है इसका हर फेज ही कम अज कम एक घंटा चला, कम अज कम एक घंटा चला, उसके बाद ट्रांजिशन हुई उसमें, वो भी स्लोली स्लोली, तो इस लिहाज से ये आपको हर फेज, हर फेज आपको मजा देगा, लेकिन जो इसका स्टार्ट है, वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन, ऊद एंड रेस्टबेरी, कमाल का कॉम्बिनेशन। लेकिन अब ये नहीं है कि ऊद एंड रेस्टबेरी जो है ना वो धानलूद और नुखबा की तरह है, नहीं, इट इज वेरी स्टाइलिश, वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन, ठीक है, वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन, और उससे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। ईयर मैंने मेरे ख्याल में आप लोगों को नहीं बताया, 2018 के अंदर लॉन्च हुई थी ये फ्रेग्रेंस। अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ऊद की वजह से इसको सिर्फ बड़े एज के लोग लगा सकते हैं, नहीं, यंगस्टर्स भी लगा सकते हैं, ऊद इसका वुडी ऊद है, और बाकी जो इसके फेजेस हैं वो हर कोई बंदा लगा सकता है। छालिया की खुशबू ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा अजीब सी, पंजेंट सी लगे आपको, नो, बहुत जबरदस्त, और ऐसे मतलब रिलीजियस टाइप खुशबू भी 100% आप इसको नहीं कह सकते छालिया की खुशबू की वजह से। एज हो गया, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर, मेल फीमेल दोनों, बट आई वुड रिकमेंड के मेल 80-20 कर लें, 80% मेल, 20% फीमेल, लेकिन फीमेल भी इसको वो लगाएंगी जिनको ऊद की खुशबू थोड़ी सी पसंद हो, वुडी खुशबू थोड़ी सी पसंद हो, बाकी फॉर मी हर कोई इसको लगा सकता है, ठीक है, जेंडर की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज, जेंडर, लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन, दो दिन मेरे फैब्रिक के ऊपर दूसरे दिन भी मुझे इसकी खुशबू आ रही थी। स्किन के ऊपर आप 12 आवर्स कर लें, इससे नीचे 10 घंटे कर लें, मैं बहुत खींच के मार्किंग दे रहा हूं 10 घंटे, तो लॉन्गजीविटी का तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, लॉन्गजीविटी का आप इसके बारे में हम बात ही नहीं करते, प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रोजेक्शन की बात करें, 3-3.5 घंटे सॉलिड प्रोजेक्शन है विद प्रॉपर सेंट ट्रेल, मुझे इसने प्रॉपर सेंट ट्रेल बना कर दी, इसने मुझे कहा क्यों, क्योंकि जिस जब एक दिन मैंने क्या किया कि मैंने अपने दोस्त को ये फ्रेग्रेंस लगाई, उसने मुझे कहा यार मुझे किसी बंदे से मिलने के लिए जाना है, मैंने उस दिन ये फ्रेग्रेंस नहीं लगाई थी, मैंने एक और अलग से फ्रेग्रेंस लगाई थी, दोस्त मेरे पास आया कहता है मैंने मीटिंग पे जाना है, मुझे कोई इलीट सी फ्रेग्रेंस लगा, मैंने किसी अच्छे बंदे से मिलना है, मैंने उसको ये फ्रेग्रेंस लगा दी, ओके, मुझे इसकी खुशबू आती रही, मैं उठ के ये तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं उठकर गया वापस अपनी चेयर पर, जब आया तो मुझे इसकी खुशबू प्रॉपर वहां से फील हो रही थी, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि 15 मिनट ये वहां पर स्टे की खुशबू, बहरहाल वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था, बट ये सेंट ट्रेल बना, फॉर मी इसने सेंट ट्रेल बनाया, तो लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन तो इसमें टेंशन ही नहीं है ना, वो तो हम इसके बारे में बात ही नहीं करते। जहां तक रही बात इसकी प्राइस की, अगर ये महंगी है तो भाई आप इसका डिकेंट ले लें। वेदर, ऑल वेदर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऊद बेस्ड है तो सर्दियों में लगेगी, ऑल वेदर, ऑफिस में लगाएं, किसी की बर्थडे पे जा रहे हैं तब लगाएं, किसी फंक्शन पर जा रहे हैं तब लगाएं, हर जगह आप इस फ्रेग्रेंस को लगाकर जा सकते हैं, मुझे तो इतनी ज्यादा पसंद आई है, हर ओकेजन पे आप इसको लगा सकते हैं, तो वेदर भी हो गया, ओकेजन भी हो गया, प्राइस मैं आपको ऑलरेडी इसकी बता चुका हूँ, 35,000 रुपये से नीचे से, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा क्रिश्चियन प्रोविजानो का ऊदल 5। थैंक यू सो मच।